हुए हैं गांव के अंदर, सौवाल गांव के अंदर। और ये इधर आपको दिखाते हैं, ये तालाब आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा तालाब है। जी हम लोग मेन जो सौवाल का ये आप चौंक ही से कह सकते हैं गांव का, उसमें मौजूद हैं। और ये पीछे आप ये तालाब देख सकते हैं कितना बड़ा है, और ये बहुत ज़्यादा गहरा है। इसमें आगे वो जो भैंस है वो भी नहा रही थी। और ये जो रास्ता है ये सौवाल की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ गांव से ना। और आगे ये तालाब है, और ये फिर इधर से आगे एक दरबार शरीफ है, वो भी आप लोगों को हम दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं। अंकल हैं, उन्होंने हमें बताया भी है कि ये सौवाल अड्डा कहलाता है ये जो जगह। अभी जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं, ये पीछे एक दरबार शरीफ है बाबा नूर मोहम्मद शाह जी सरकार का। उस दरबार पे जाते हैं, खुद भी फातिहा शरीफ पढ़ते हैं, और आप लोगों को भी अंदर से दरबार शरीफ की ज़्यारत करवाते हैं। कुली वाले सरकार के नाम से ये मशहूर है। ये जी
दरबार शरीफ का मेन एंट्रेंस वाला दरवाज़ा है और इधर से अंदर एंटर होंगे। ये जी बाबा नूर मोहम्मद शाहजी सरकार के दरबार शरीफ के अहाते में हम लोग मौजूद हैं और ये बहुत ही घना दरख्त है यहाँ पर, और इधर अल्लाह पाक का घर भी है, मस्जिद, उसकी भी ज़्यारत करवाते हैं आपको। ये देखें ऊपर कलमा शरीफ लिखा हुआ है, ये मस्जिद है, वजू खाना, और ये मस्जिद की मेन एंट्रेंस है, ये भी बिल्कुल दरबार शरीफ के साथ ही है। ये इधर ये दरबार शरीफ है और साथ ही इधर कब्रिस्तान है दरबार शरीफ के साथ ही, और ये दरबार शरीफ है। ये जी दरबार शरीफ के स्टार्ट में ही मोहम्मद शाह वल्द गुलाम शाह हमदानी उनकी ये तुर्बत है, और अब ये अंदर जाए। ये जी अंदर सैयद नूर शाह हमदानी, ये उनकी तुर्बत है, वल्द मेहर अली शाह, और इस साइड पे दुख्तर मेहर अली शाह, ये उनकी तुर्बत है, और इस साइड पे सैयद गुलाम शाह हमदानी वल्द मेहर अली शाह, ये उनकी तुर्बत है। तो इधर फातिहा शरीफ भी पढ़ लें। जी बहुत ही सुकून है, देख लें जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके जो दरबार होते हैं वहाँ पर आकर कितना सुकून मिलता है, और ये ऊपर से भी आप देख सकते हैं, बहुत ही माशाल्लाह प्यारा काम उधर हुआ है, और इधर सामने उन्होंने तो फ्रेंड्स आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, सौवाल विलेज का? यहाँ पर ऐसा इतना कुछ ख़ास तो नहीं था, एक तालाब सा देखा है हमने बहुत बड़ा, उधर वो भाई हैं वो बता रहे हैं कि काफ़ी पुराना है, 40-50 साल से भी ज़्यादा पुराना है, और काफ़ी गहराई है उस तालाब की, और दरबार शरीफ है वो भी तकरीबन 60 साल पुराना है, जो वहाँ के लोग थे उन्होंने बताया, वीडियो में नहीं आ रहे थे, शर्मा रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा आप लोग खुद ही बता दें। और ये पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ों का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है, और इस साइड पे भी कितनी ग्रीनरी है। तो ये बस एक हमारे व्यूवर हैं, उनकी फरमाइश पे ये वीडियो बनाई गई है स्पेशल उनके लिए, तो अब ये व्लॉग जो है वो देखेंगे। अगर ये व्लॉग पसंद आया इसे लाइक कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।